नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं पीर सैयद फ़ख्र काज़मी चिश्ती गद्दी नशीन हुज़ूर ग़रीब नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज रजब की 8 तारीख है, कल सुबह गुस्ल की रस्म दी जाएगी। ज़ायरीन अकीदतमंदान आज ही बाद नमाज इशा से दरगाह शरीफ की धुलाई शुरू कर देते हैं और कल दिन में सुबह के टाइम 9 बजे मज़ार मुबारक की को गुस्ल दिया जाएगा, जिसमें तमाम खुद्दाम ख्वाजा साहब शिरकत करेंगे और मज़ार मुनव्वर को गुलाब जल केवड़े से गुस्ल देंगे। गुस्ल की आखिरी रस्म है, जिसे आमतौर पर लोगों ने बड़ा कुल कहा, बल्कि बड़ा कुल नहीं है, ये गुस्ल है। और कुल तो एक ही होता है जो 6 तारीख को होता है, 6 रजब को, उसको कुल कहते हैं। कुल के माने मुकम्मल होना, पूरा होना, और उसका पूरा होना कुल कहलाता है। वो 6 तारीख को कुल होता है और 9 तारीख को जो है गुस्ल होता है। मज़ार मुबारक का गुस्ल तमाम खुद्दाम ख्वाजा साहब देते हैं और दरगाह शरीफ की धुलाई पूरे ज़ायरीन अकीदतमंदान करते हैं और इसमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पानी से हमें छींटे लगे हैं इससे हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमें शफा हो जाए, नज़र बस से बचा करके रखें। इस तरीके से लोग दुआएँ करते हैं और बारगाह गरीब नवाज़ में गुस्ल के बाद में तमाम खुद्दाम हजरात भी अपने अपने ज़ायरीनों के लिए दुआ करते हैं कि तमाम ज़ायरीन आपकी बारगाह में हाज़िरी देकर रुख्सत हो रहे हैं, वो तो अपने अपने घरों को साथ खैरियत से जाएं और फिर आपके बारगाह में हाजिर हों, रास्ते की तमाम दुश्वारियों को आसान फरमा दें, किसी किसी की तकलीफ़ परेशानी ना आए। मैं पीर सैयद फ़ख्र काज़मी चिश्ती एक मरतबा फिर दुनिया भर के लिए, आलम इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ कि दुनिया में इंसानियत का बोलबाला हो, इंसानियत कायम हो, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारा कायम रहे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लोग परेशान हैं इससे निजात पाएँ और हमारा मुल्क तरक्की करे, बुलंदी करे, खूब कामयाबी अता फरमाए और हमारे जो नेता हैं वो देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं वो उसमें कामयाब हो और हमारा देश विश्वगुरु बने। अस्सलाम वालेकुम।